बढ़ती बारिश के चलते भोपाल में कई जर्जर भवन गिर रहे हैं, जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जर्जर मकानों को खाली करवाने और उसमें रह रहे लोगों को विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में बारिश का असर अब पुराने और जर्जर मकानों में भी दिखाई देने लगा है, जिसके चलते कई जर्जर भवन गिर रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन जर्जर मकानों को चिन्हित कर लोगों को शिफ्ट करने में जुट गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जर्जर भवनों को खाली कराया जा रहा है और उन्हें तोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। जर्जर भवन में संचालित हो रही एक आंगनबाड़ी को भी खाली कराया गया है और उसे तोड़ा गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। अभी आपकी जानकारी में होगा कि जर्जर भवन का सर्वे हम लोगों ने करवाया था, अभी हमारे नोटिस भी गए हैं। अभी आपने देखा एक दीवार बहुत जर्जर थी, उसको हमने तोड़ दिया, अभी दो तीन घर भी तोड़े। तो जो भी कोई जर्जर भवन है उन पे हमारी नज़र है और नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि जर्जर भवन को तोड़ेंगे जो भी जरूरत। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।